आखिर क्यों और किस लिए बीजेपी और कांग्रेस मिलकर करवा रही हैं लव और लैंड जिहाद, गौहत्या, धर्मांतरण के लिए रैलियां? क्या मकसद है दोनों पार्टियों का? जानने के लिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट को ध्यान से देखिए। जो हिंदुत्व के खिलाफ खड़ा होगा, जो देश के खिलाफ खड़ा होगा, जो लव जिहाद और लैंड जिहाद और गौहत्या जो करेगा, ऐसे लांडों को ठोकने वाला नौजवान। सकल हिंदू समाज की रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के विधायक टी राजा ने ये बयान दिए। इन रैलियों में लव और लैंड जियाद, गोहत्या, धर्मांतरण, नवरात्रों में मुसलमानों का गर्भे में जाने जैसे मुद्दे को उठाया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से सकल हिंदू समाज महाराष्ट्र के 29 शहरों में रैलियां और रोड शो कर चुका है। हिंदू समाज से जुड़े जितने भी संगठन या लोग हैं वो इन रैलियों में शामिल हो रहे हैं, जैसे कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, विश्व श्रीराम सेना, राष्ट्रीय श्रीराम संघ और सनातन संस्थान। इन रैलियों में खुलेआम असंसदीय भाषा का इस्तेमाल एक धर्म से जुड़े लोगों के लिए किया जाता है और पुलिस खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखती है। इन रैलियों में लोग भगवा झंडे, भगवा टोपी और हाथों में लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, गौहत्या के बैनर और पोस्टर लिए रहते हैं। आधिकारिक तौर पर इनका कोई आयोजक नहीं है और ना ही कोई संगठन और ना ही कोई चेहरा और ना ही ये पता है कि शहर शहर में होने वाले इन कार्यक्रमों का खर्च कौन उठा रहा है। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने रैलियों में शामिल हुए लोगों से बात की। शुरुआत वहां से करते हैं जहां से ये रैली शुरू हुई। 18 दिसंबर 2022 को पुणे में रैली हुई। उस वक्त श्रद्धा हत्याकांड को लव जिहाद का नाम देते हुए जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इसी कड़ी में एक और जनसभा का आयोजन किया गया। रैली के आयोजकों में से एक बजरंग दल के जिला संयोजक कुणाल साठे से हमने बात की। सवाल था कि कैसे सभी हिंदू संगठनों को एक साथ एक मंच पर इतनी आसानी से लाया गया। श्रद्धा वालकर के बारे में होगा, सबकी आंखें खुल गई। ये तो सबसे मतलब सभी जगह पे भीड़ देखो बढ़ती जा रही है। समझो हमने पिंपरी चिंचोड़ में ऑर्गेनाइज किया था, तो इधर हिंदुत्व के प्रति कौन काम करता है ये तो हमको मालूम पड़ता है ना। तो हम क्या करते हैं, सभी जगह का एक जगह पे लेके उनकी मीटिंग करते हैं। पिंपरी चिंचोड़ में कितने गांव है, ये गांव में कौन काम करेगा, वो गांव में कौन काम करेगा। रही बात खर्च की तो चंदे से इन रैलियों का आयोजन किया जाता है। व्यापारियों के साथ सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं बल्कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता भी मदद कर रहे हैं। तक रैलियों का मुद्दा है लव जिहाद, इसको लेकर आयोजकों की क्या सोच है ये जानने के लिए हमने राष्ट्रीय श्रीराम संघ के अखिल भारतीय प्रवक्ता समीर मालवे से बात की। रामपुर में एक केस ऐसा हुआ था कि एक मुस्लिम मुल्ला कटर नाम का एक एक्यूज है, तो उसकी जब हिस्ट्री निकली तो उसमें ये ध्यान में आया कि 14 या 15 साल की अंडर एज लड़कियों को उसने मतलब गलत कामों में भेज दिया था, बेचा था एंड ऑल, वो सब चीजें हुए थे। और वो उसने क्या किया था कि मुस्लिम लड़के जो है उनसे शादी करवाई थी, धर्मांतरण करवाया था। तो आफ्टर दिस ऑल डेफिनेटली वी डिफाइन की सिक्के के दूसरे पहलू को जानने के लिए हमने महाराष्ट्र के बड़े मुस्लिम चेहरे और समाजवादी पार्टी के विधायक से हमने बात की। जो है नफरत फैलाकर हिंदू मुस्लिम करके इलेक्शन जीतना चाहते, ये जो कह रहे हैं कि लैंड जिहाद और जो है लव जिहाद क्या है, तो ये सब बहानेबाजी करके फिर मुसलमानों को निशाना बनाना और इसको हिंदू राज बनाने के लिए बातें करना, ये नारा लगाते हैं कि हम जाएंगे बुरके वाली को लाएंगे जी। क्या मतलब है, एक समाज को के आप अगर बहुसंख्यक हैं, आप आज सत्ता में हैं, एक समाज के साथ इस तरह की नफरत, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार ही करवा रही है, तो रोकेगा कौन। लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदू मुसलमान का मुद्दा सिर्फ सड़क पर ही नहीं उठाया जा रहा बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसको लेकर कई बार हंगामे हो चुके हैं। वहीं सकल हिंदू समाज की इन रैलियों पर रोक लगाने के लिए 22 फरवरी को महात्मा गांधी फाउंडेशन ने नवी मुंबई पुलिस आयुक्त को एक पत्र भी लिखा है। इसमें घृणा का संदेश बहुत खुलेआम दिया जा रहा है, माइनॉरिटीज के खिलाफ भड़काया जा रहा है, गुस्सा भड़काया जाने की कोशिश की जा रही है। और आज जो समय में हम हैं उसमें ये हमारी एकता के लिए बहुत हानिकारक चीज है। कुल मिलाकर ये रैलियां प्री प्लान्ड है। हालांकि जिस हिसाब से रैलियां आयोजित की गई हैं, उसे देखकर कहा जा सकता है कि फिलहाल पिछली रैलियों में आए लोगों की संख्या के हिसाब से अगली रैली की जगह और मुद्दा प्लान्ड किए जा रही है। बीजेपी का तो समझ आता है लेकिन कांग्रेस नेताओं का इनके लिए फंड देना काफी चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, एक्टिव भारत।